देखिए हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के बाल भवन में और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले पीछे का एक बार वो बोर्ड दिखाए जहां 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का जिला स्तरीय समारोह का यहां बाकायदा आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो यहां मुख्य अतिथि आए हुए हैं, तमाम जो जिला उपायुक्त महोदय है वो SDM महोदय है, पूरा प्रशासनिक अमला यहां है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बाल भवन के अंदर जो ये आयोजन किया गया, तमाम बच्चों ने यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वो भी हम आपको तस्वीरें यहां से दिखा रहे हैं कि कितना भव्य आयोजन यहां पर किया गया। बाकायदा लोगों को यहां पर पगड़ी पहना करके जो है सम्मानित किया गया है और पगड़ी की जो आन बान शान है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। मंच पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको रंगारंग वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो दर्शक हैं शहर के, जो तमाम जो लोग हैं या जितने भी छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, चाहे सरकारी स्कूल के बच्चे हो चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, सभी ने एक से बढ़कर के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की यहां पर प्रस्तुति दी है। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी आप ये देख रहे होंगे स्टॉल यहां पर लग रही है, एक से एक यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, तमाम अलग अलग विभाग की जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं उनकी ओर से यहां कई सारी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बाकायदा शोभा यात्रा भी निकाली गई है गीता महोत्सव पर, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर की अनेकों सामाजिक संस्थाएं उन्होंने यहां इसमें पार्टिसिपेट किया है और गैलेंट्री अवार्ड से यहां पर बाकायदा सम्मानित यहां पर किया गया है। जो गोठड़ा के रवि चौहान हैं उनके पिता, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है, इनके परिवार को, इनके परिवार के लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित बाकायदा यहां पर किया गया है। इसी के अलावा हम आपको ये मंच की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन भी लोगों ने यहां पर जो, क्योंकि 3 दिनों से ये आयोजन यहां पे चल रहा है, आज इसका समापन था और बाकायदा दीप प्रज्वलित करके यहां पर जो है तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां बाकायदा दीप प्रज्वलित की जा रहे हैं, राष्ट्रीय गान के साथ उसका जो समापन यहां पर हुआ और इसको लेकर के क्या क्या अधिकारी यहां पर कह रहे हैं, पहले आपकी जिला उपायुक्त महोदय से सुनाते हैं क्या कुछ जिला उपायुक्त महोदय यहां पर कह रहे हैं इस आयोजन को लेकर के। ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमने रेवाड़ी में मनाया है और आपने देखा है कि 3 दिन बड़ा समारोह बड़े अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हुआ है। बच्चों ने, सभी समाज सेवी संस्थाओं ने और हमारे सरकारी विभागों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जितनी भी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब के बारे में यहाँ पे स्टॉल्स लगी थी और उन स्टॉल्स में इंफॉर्मेशन, जो सूचना एक आम नागरिक को जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो सूचना उसमें उपलब्ध कराई और उनको इस बारे में एजुकेट किया गया कि वो सरकार की किस किस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक गारंटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जी, जो भी हमारे योद्धा थे सबका सम्मान किया है। हमने स्पेशल प्रदर्शनी भी लगाई है जो हमारी 1857 की क्रांति जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने, और इसी प्रकार से जो हमारे दूसरे फ्रीडम फाइटर हैं, वॉरियर्स हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उन सबका भी सम्मान हमने किया उनके प्रति। हाँ, काफ़ी इसमें समय लगा, हमारी ADC, हमारे SDM और इन सब ने, टीम ने, हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, प्राइवेट स्कूल, बहुत, इट इज़ ए टीम वर्क और टीम वर्क से ही संभव हो पाया कि कार्यक्रम इतना अच्छा हो पाया। दीप तो अनगिनत संख्या में थे जी और सबने स्वास्थ्य से तरह से अरेंज किए गए थे और उसके साथ साथ सभी लोगों ने, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने भी दीप का प्रज्वलन किया। सर, आज पगड़ी ने आप सबको जो महोत्सव को और रंगीन बना दिया, थोड़ा सा नया एक लुक दिया है, क्या कहेंगे इसको? बेशक, ये तो हमारे हरियाणा की या इस रीजन की शान है और इसमें भी पार्टिसिपेट किया, उसमें गीता महोत्सव में भी 4 चांद लगे। तो यहाँ मनाया गया है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं और आपके परिवार को आज सम्मानित किया जाएगा, क्या ये हरियाणा सरकार की एक स्कीम थी गीता महोत्सव और उसमें ही गैलेंट्री अवार्ड और जो भी जितने भी हमारे योद्धा कह लो या जाबाज कह लो या सूरवीर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उसके अलावा जो जिंदा थे उनके लिए खास कर था जिनको अवार्ड मिला। और इस अवार्ड का मैं एक बीच में बोलूँगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ जाती उसमें, अंग्रेजों के टाइम में जब अवार्ड देते थे तो जिसकी जान चली जाती थी उसको अच्छा नहीं मानते थे, दो नुकसान मानते थे, एक तो उस परिवार का नुकसान और वो अपनी फौज का नुकसान मानते थे।
कि एक सिपाही को ट्रेन करने में लाखों रुपए लगते थे, अब करोड़ों लगते हैं, तो सिपाही का जाना उनके लिए आर्थिक नुकसान, और चाहे कितना ही पैसा सरकार दे दे उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, वो नहीं अच्छे से काम कर सकता। ये मैंने भी देखा उन अंग्रेजों का काम। तो वो उस टाइम जो अवार्ड देते थे, कॉमनवेल्थ कंट्री 52 देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, तो अवार्ड उसको ही देते जो दुश्मन को मार के लाता था और बहादुरी करके अपनी जान भी साथ में बताता के लाता था, उसको उस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते थे। और इस गैलेंट्री अवार्डियों के लिए स्पेशल किया था ये प्रोग्राम। तो डी साहब ने हमें बताया कि आपके ऐसे ऐसे पिताजी गैलेंट्री अवार्डी थे, उनको सम्मानित करेंगे। उनकी यूनिट के सीईओ कर्नल केडी सिंह आए, उनकी यूनिट के रिश्तेदार मेजर ऑनरी कैप्टन ओमपाल सिंह आए, और उसमें उससे भी ऊपर हमें पता चला, सोल्जर बोर्ड ने एक लिस्ट भेजी कि रेवाड़ी जिले में हमारे पिताजी उस टाइम के मिलिट्री क्रॉस अवार्डी एक ही हैं। तो हमें और फक्र महसूस हुआ, ये बातें हमें नहीं पता। आपके परिवार के लिए कितनी गौरव की बात है कि आपको गीता महोत्सव के दौरान, यानी कि जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, और ऐसे में आपके परिवार को सम्मान मिलना कितने बड़े गौरव की। ये इस सरकार की मनोदशा को दर्शित करता है कि उन्होंने कितना सम्मान दिया है गारंटी अवार्डी के परिवार को। एक परिवार ही नहीं, मेरे साथ के मेरे दोस्त जो मेरे परिवार से भी बढ़के हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, सबको इतनी खुशी हो रही है कि खुशी से फूले नहीं समा रहे। और हम बहुत तय दिल से इस सरकार का, उपायुक्त साहब का और पूरे जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और बाकी अवार्डी को बुलाया और सम्मानित किया। आज जिस तरीके से मैंने यहाँ देखा, पूरा साफा पगड़ी बांध करके, जिस तरीके से इसके महत्व को थोड़ा सा, साफा एक हमारी शान बान और आन की पहचान होती है, और केसरिया साफा स्फूर्ति देता है, और मैंने इसलिए आज केसरिया साफा बांधा कि केसरिया साफा ही युद्ध के दौरान पिताजी बताते थे कि जिस दिन हम जीतते थे उस दिन हम केसरिया साफा बांधते थे, और साफा की उसके वजह से आपने देखा इस प्रोग्राम की समा बदल गई और साफे ने समा बांध दी। तो मुझे अच्छा लगता है, आप तो पहले भी मेरे प्रोग्राम में आए हो, रोहतक भी, दादरी भी, भिवानी भी, चंडीगढ़ भी, तो साफा में बांधना अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज आयोजन में भी आपने पूरा टाइम दिया, देखा होगा प्रशासन ने तमाम जो साहित्यकार है, स्कूल के लोग है, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तमाम लोगों को यहाँ सम्मानित किया है। किस तरीके से दिखता है रेवाड़ी की धरती, पावन धरती वैसे ही है, हीरो का लंदन है, वीरों की नगरी है, ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हीरों की नगरी, वीरों की नगरी के पर बात करता हूँ, राव तुलाराम जी की धरती है, उनके ही कहीं ना कहीं इस धरती के शौर्य से उन्होंने भी स्वतंत्रता लड़ाई के अंदर अग्रणी रहे, और जो बाकी भी जो वीरों की जो खान कही जाती है, जब भी जिक्र चलता है कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जिक्र चलता है, किसी भी आर्मी के अंदर जिक्र करता है, सबसे पहले पुराना गुड़गावा, अब का रेवाड़ी महेंद्रगढ़, सबसे पहले इसका जिक्र होता है। आप तो देश विदेश में भी घूमते हैं, दिल्ली भी घूमते रहते हैं, जब रेवाड़ी का नाम आता है कितना आपको महसूस होता है कि मेरे इलाके का नाम लिया जाता है हर जगह? हमारे यहाँ से विदेश का सिस्टम कुछ ज्यादा अच्छा है। मैं लंदन में था, लंदन वार मेमोरियल है जिसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार के जितने भी अवार्डी हैं, शहीद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, और हमारे यहाँ भी अब तक पिताजी के रिकॉर्ड में गुड़गांव जिला लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ उन्होंने तुरंत अपडेट करके रेवाड़ी जिला लिखा, और वहाँ जब जाते हैं तो इतना ऑनर करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कौन आया, वो उस टाइम की लड़ाई के हिसाब से ऑनर करते हैं, और वहाँ बैठा के आपको डिनर पर बुलाते हैं, और उनके बड़े अफसर आके आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जब आप कोई राजा महाराजा इंडिया से आ गए। मान लिया जाए आज आपने आजादी का अमृत महोत्सव का अमृत आपने पिया, ऐसा अमृत पीना मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ और सीधा उस बहादुर, क्या बोलूं, बोलने की वो नहीं मिल रही, ऐसे इंसान, ऐसे शख्सियत के पैदा हुआ कि अमृत महोत्सव नहीं, मैंने अमृत ही नहीं पिया, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कितना दिल से खुश हूँ, मैं ही नहीं मेरे पूरे साथी सबको गर्व महसूस हो रहा है। जो भी शासन विज्ञान मिलता है हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि आज के तनाव को यहाँ से बचा जा सके और जीवन में सही निर्णय ली जा सके। आप तो स्वयं गीता लेकर क्या करेंगे इसको लेकर? ये बड़ा गौरव ही पल है कि जी
तो कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया है? यहाँ पे हमारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, हमारे लोकल कलाकार, हमारे हरियाणा कला परिषद से, और इसके अलावा जो भी हमारे स्टेट अवार्डेड हमारे जिले से, सभी ने मिलकर ही, डीपीआरओ भी, भारतीय, सभी ने मिलकर ही 3 दिन का ये कार्यक्रम शुरू किया। तो क्या इसको जैसे दीपोत्सव भी आप लोगों ने किया है, जिस तरीके से एक पगड़ी का महत्व बड़े विस्तार से हरियाणवी पगड़ी का महत्व बताया गया है, उसको लेकर के क्या? पगड़ी तो सम्मान का प्रतीक है। आज सेकंड सेशन में जो हमारे मिलिट्री क्रॉस जीता है उनके परिवार से उन्होंने पूरे सभी का सम्मान किया, एक गारंटी अवार्ड से सम्मानित किया है। गैलेंट्री अवार्ड तो उनको मिला था, उनके परिवार को आज सम्मान किया, परिवार मिलिट्री क्रॉस उनको मिला। जनाब आज आप भी रेवाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, अमृत महोत्सव और गीता महोत्सव यहाँ मनाया गया, किस तरीके से देखा है, क्या महसूस करते हैं चौहान साहब के परिवार को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया? मैं काफी भावुकता महसूस करता हूँ और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इस समारोह में मैं उपस्थित हो पाया, और इतने सारे जो वीर परिवार थे उनके बीच हमें जगह मिली उन लोगों से मिलने की और इंटरेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का और इस इन्विटेशन का, बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से देखा पूरा, आपने काफी समय से आप यहाँ थे, छोटे छोटे बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, देशभक्ति के कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए, किस तरीके से आप उनको देखे? मैं उनको सराहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और बहुत ही मतलब अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस था उनका, और यही उम्र है, अगर ऐसे समारोह होंगे तो तभी उनका जो आगे के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी ताकि वो देशभक्त बन सके और उनके अंदर देश के प्रति वो भावना आए जो कि हर हिंदुस्तानी के अंदर होनी चाहिए। पूरा परिचय, मेरा नाम राज कुमार, एक्स सरपंच, मैं नानद सिंह जी का भतीजा हूँ, साजी भतीजी, उनकी प्राथमिक पढ़ाई कंवाड़ी में हुई और उसके बाद वो 6 कोर्स मोतला जाया करते थे। उन्होंने आने के बाद भी सभी फौजियों की पेंशन वगैरह, उनकी कोई समस्या थी उनको भी उनको वही टाइगर के परिवार को सम्मानित किया गया ना, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा जी, हम तो इससे ज्यादा गौरवान्वित हो ही नहीं सकते। हमारा चाचा एक डॉक्टर की संज्ञा में भी था और सेहत में अच्छा था, सभी को इशारे लेके चलता था, बहुत ही नेक नीति थी उनकी, अच्छा परिश्रम करते थे और एक देवता स्वरूप आदमी।